अब हम फाइनली हमने ये सोचा कि हम गाड़ी के अंदर वही कह रहा हूँ कि इतना क्रेजी जिंदगी में कभी नहीं किया। पीछे हसन लेट गए और ये जवाद ने सीट सीधी कर ली है। अभी मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, गाड़ी के अंदर हम सोने लगे हैं। अस्सलामुअलैकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। क्या हाल है? ठीक है, लगा हसन आपको शादी के बाद 2 महीनों बाद अब नजर आ रहे। खैर रात लाहौर के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी तो जवाद अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सका, तो मैं एक जगह से वापस आ रहा था। मैंने उसकी गाड़ी एक जगह पे खड़ी हुई थी, वहाँ से मैंने गाड़ी उसकी पिक की और अपना बाइक वहाँ पे खड़ा कर दिया, क्योंकि गाड़ी हमने अभी लेके जानी है। हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, छोटे से छोटा या बड़ा भी कोई आइडिया नहीं है कि कितने दिन का ट्रिप हो सकता है। दो दिन का हो सकता है, 4 दिन का हो जाए। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा लेट हो गए, हम पहले जा रहे हैं जवाद की तरफ, वहाँ पे नाश्ता वाश्ता करेंगे, वहाँ पे जाके मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। आज तक कोई ट्रिप ऐसा नहीं हुआ जिस पर तूने लेट ना करवाया। मैंने लेट करवाया आज भी बोल मैंने लेट करवाया। आपको गाड़ी भी रास्ते तेरे पास, तूने ही लेट करवाया। और यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार पड़ा है। कोई ट्रिप ऐसा हुआ जो तूने लेट ना करवाया? भाई रात गाड़ी किसके पास थी यार? लेट किसके पास? मैं तो इसकी फोन का इंतजार कर रहा था कि फोन करेगा, फिर मैं 8 बजे से मैं उठाऊंगा, फिर भी नाश्ते में क्या क्या कुछ है? मेथी के पराठे आ गए, अचार आ गया, दही आ गई, ये गजरेला आ गया और साथ में लस्सी। अभी फिलहाल हम टूटेंगे अपने नाश्ते पे टूट के वो स्टोरी बताता हूँ जो मैं आपको कह रहा हूँ बतानी है। सामान रख दे सारा अपनी गाड़ी में। हाँ कर दे। अच्छा भाई स्टोरी ये है कि हमने सोचा था कि हम सुबह जो है वो 7-7:30 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन सुबह जब उठे तो जवाद ने मुझे बताया कि दोनों अलार्म लगा के सोए हुए थे। सुबह उठे तो जवाद ने बताया कि भाई धुंध बहुत ज़्यादा है, मोटरवे कॉल करके पता करो मोटरवे खुली भी है कि नहीं। मैंने मोटरवे कॉल करके पता किया, वो कहते भाई मोटरवे शदीद धुंध के बाइस पूरे पाकिस्तान की मोटरवे इस टाइम बंद पड़ी हुई है, तो चुप करके सोए। फिर हम लोग सो गए, फिर 10:30 बजे इसने मुझे कॉल करके उठाया कि अब उठ, अब धुंध कम हुई है, अब फिर पता कर। फिर पता किया तो मोटरवे खुली हुई थी। तो अब फाइनली हमें करते करते जहां हमने साढ़े अभी भी तू तू ही लेट करा रहा है, चाबी दे मैं चलाऊंगा। 7 बजे निकलना था, अभी क्या टाइम हो गया बताई? 1 बज गया। अब वैसे हम निकले बस जल्दी। शुक्र है इन्होंने कार्ड देना शुरू किया, वरना बीच में आके पर्ची देने लग गए थे, मोटरवे का बजट लो हो गया था। लेकिन अब फिर से कार्ड देने लगे। फाइनली हम लोग मोटरवे पे आ चुके हैं और अब हमारा सफर एक बेहतरीन रोड की तरफ रवा दवा है। कार्डमम टी है, एक लाटे कर दो यार, एक कार्ड। इतना कुछ उठा के लाए, खुद नवाब के बच्चे बन के बैठे अंदर। ये पीछे खोल दरवाजा, ये चीजें पीछे रख ले। वहां से हम लोग नाश्ता करके निकले थे तो चाय शाय नहीं पी थी, मैंने कहा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैंने अपने लिए कॉफी ली है, जवाद के लिए चाय ली है। जवाद मैंने कॉफी ली है, तो नहीं पीता कॉफी, पता है मुझे इसका अच्छी चीज इसको रास आती नहीं है। वैसे हसन के लिए जूस चिप्स वगैरह ले लिए, अपनी कॉफी चाय ले लिए, अब हम निकलेंगे। हम लोग रुके हैं अभी मोटरवे पे, इस तरफ से आपको अन्य वाह गाड़ियाँ आती थी नज़र, भरा पड़ा है गाड़ियों से, लेकिन अभी थोड़ी दूर है गाड़ियों ऐसे बड़ा मतलब हमें किसी जगह पे भी आज मोटरवे खाली नहीं मिला। क्रूज कंट्रोल लगाया है, छोटी सी हमने अपनी डिंकी का क्रूज कंट्रोल लगा के ये सबको काटते जा रहे हैं। कितने बजे निकले थे लाहौर से? 1:15 तकरीबन। हाँ 1:15। और अभी क्या टाइम हुआ है? घड़ी देखिए अपनी, तो जी इसके टाइम को भी नहीं समझ आ सकता। अभी हो गए 4:15 और वैसे ही हम रुके थे यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सिंग चिलैक्सिंग करने के लिए। अब यहाँ से आगे चलाएगा और चाचा, अब यहाँ से आगे चलाएगा जवाद और हसन पहले की तरह ही पीछे बैठ के मजा लेगा। हमारी डिंकी का सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका क्रूज कंट्रोल, क्रूज पे लगा दो और ये ऐसे करके बैठ जाओ। लाहौर से अभी तक तकरीबन इस्लामाबाद रह गए 68 किलोमीटर का लास्ट बोर्ड आया था, यहाँ तक मैं मोस्टली जो है वो क्रूज कंट्रोल पे आया हूँ। अब जवाब भी क्रूज कंट्रोल लगा के बैठा, मैं चाय लेते क्या मत वाम आगे, यहाँ से एक चाय पकड़नी है मैंने, चाय पकड़ के फिर हम आगे निकलेंगे। तकरीबन हमारा आधे घंटे का इस्लामाबाद रह गया मेरे ख्याल से, ऐसे ही है ऐसे आधा घंटा इंशाल्लाह। Light had one now
और ये हमारी कैब पे यहाँ आते ही कब्जा हो चुका है। सबको हेलो बोलो, ऐसे करके हेलो बोलो। बोल टिंकू, बोल तो दे। ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि इब्राहिम अभी बोलेगा। ये पाकिस्तान की जीटीए देख रहे हो हैं? पाकिस्तान ने अपनी जीटीए बना दी है। ओए होए होए, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा बैठा। पाकिस्तान का सॉन्ग तो है, वो जीटीए के साथ क्यों चल रहा है? जीटीए अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती है। और कौन सी गेम अच्छी लगती है? पबजी। पबजी बिल्कुल नहीं। पबजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जवाद साहब की है पबजी, पता है? जर्सी पे क्या लिखा हुआ है ये तो मुझे बता दो पहले। चलो लाओ पढ़ें इसे। ये लिखा हुआ है जी SELFIE, सेल्फी। वाह जी वाह, हैशटैग सेल्फी। कैप बड़ी मजे की पहनी हुई है टिंकू ने। कौन सी है? है। ये अच्छी, ये मेरी वाली है। ओहो, मैंने तो कहा पता नहीं इतनी अच्छी कैप कहाँ से ले ली। लेके दिखाओ दोबारा एक दफा कैप, जैसे भी ली हुई थी। इधर देखो, ऐ तेरी डॉन। अच्छा भाई, हम इस्लामाबाद पहुँचे। यहाँ पे इंतहाई, मैं हूँ अपनी फूफो और अपनी खाला के घर। यहाँ पे भाभी ने इंतहाई मज़ेदार किस्म के खाने बनाए थे। जवाब सबसे मज़े का क्या लगा? मटन था, कीमा था, पुलाव था, गजरे। मटन, बाकी चीज़ें भी मज़े की थी। बाकी चीज़ें भी बहुत मज़े की थी, लेकिन मटन इतना खाया कि बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। इतना मज़ेदार शनवारी स्टाइल में मटन था और साथ में कीमा, पुलाव, पता नहीं क्या क्या कुछ शामियाँ और ये वो। और ये बाहर इस्लामाबाद की ठंड, हाय 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 हाय, ऐसा ठंडा यख। वो तेरी ऐसी जैसी, मैं तो खुद हैरान रह गया लो लाइट चेक करके। इधर तो अनेरा घूप है और इसके अंदर तो चंगी भली लाइट दिखा रहा है। खैर, बहुत मज़े की ठंड है इस्लामाबाद में। और अभी फ़िलहाल रात के 11 बज गए। सुबह हमने करना है अपना रावलपिंडी फूड टूर। और कितने बजे उठना है जवाब? 4 बजे उठेंगे सर। 5 कर ले, 5 5 बजे उठेंगे, नमाज पास पढ़ के निकल जाएंगे, क्योंकि हमने कल पूरा दिन रावलपिंडी फूड टूर करना है। तो अभी भाई बस हुई बढ़िया, पूरा दिन हम सफ़र में थे। उसके बाद आके 5:30 हम पहुंचे थे और अभी 11:15 हो गए। 11:15 अब हम सोएंगे। एक ब्लॉग खत्म, दूसरा शुरू। हेलो हेलो, अभी तक जो आप लोग देख रहे थे वो तकरीबन एक दिन पहले की सारी कहानी थी। आज हमने अपना पिंडी का बेहतरीन फूड टूर किया, उसके बाद जो है वो पिंडी खाने पीने खातरे आपको मेन चैनल पे नज़र आएगा। अभी रात के बजे में 12 और हम लोग यहाँ से इस्लामाबाद से जा रहे हैं नथिया गली। फुल ऑन क्रेजी, रेडी फुल क्रेजी। हसन जो है वो अपनी पीछे पूरी सीट सेट करके बैठा हुआ है। हसन अभी थोड़ा सा कम क्रेजी, मैं फुल क्रेजी। हसन चाह रहा था कि हम सो जाएं और सुबह जाएं, लेकिन हमारे पास टाइम का कुछ थोड़ा सा मसला चल रहा है। अभी यहाँ से मरी जाएंगे, मरी से फिर आगे नथिया गली। इस टाइम हो रहे हैं 2:12 रात के और हम लोग जो है वो मरी क्रॉस कर रहे हैं। मरी हम लोग एक सेकंड के लिए, बल्कि एक मिनट के लिए रुके थे वहाँ पे, जो रश था रात को एक बजे मरी पहुँचे थे। एक बजे मरी पहुँचे। इतना रश था, अजीबो गरीब किस्म का रश। वो आवाम डांस कर रही है माल रोड पे। मैं कहा भाई चल इधर से नथिया गली जाके ब्रेक लगाएंगे। अभी हम लोग नथिया गली से 20 किलोमीटर पीछे हैं और डिंकी क्या वेदर दिखा रही है? 3 सेंटीग्रेड डिंकी दिखा रही है 3, लेकिन मैंने इस पे नेट पे चेक किया तो -2 नथिया का जो वेदर है वो दिखा रहा है। ओए होए -2 रोड पे, साइडों पे हमें अंधेरा है, कुछ तो नज़र आ नहीं रहा इधर उधर। तो रोड पे साइडों पे सारी बर्फ़ जो है वो इकट्ठी करके जो उन्होंने साफ़ किया हुआ रास्ता, अन्य वह बर्फ़ शरफ इधर पड़ी हुई है। अभी नथिया पहुँच के चेक करेंगे। आए -2 ठंड, पहले शिवालू से बांध के बैठ गए पीछे अकेला। हसन तो पीछे सोया पड़ा है, हम दोनों आगे क्रेजी। हाँ वाकई सो रहा है। अभी किधर, सीधा उधर जाना है, इधर जाना है? मैप देख ले, ये इस टाइम हम कंडीशन में नहीं है भटकने की। हाँ सही जा रहा है। ओए जमीन का तिलक ना। आजा, हमने अभी यहाँ पहुँच के, ये जो एक होटल है इसका ठक 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 कुंडियाँ खड़काई हैं। अगले कहते जा रात के 3 बजे। यार आप चेक नहीं कर रहे, ठीक है? आपका लौंडा लाहौर वाले ड्रेस में। मैंने भी सिर्फ एक हुडी पहनी हुई है और अच्छी खासी ठंड लग रही है। -2 हो रहा है। तू दुआ कर बेटा इस टाइम होटल मिल जाए। उन्होंने हमें रेट भी बड़ा लगाना है कि ये मजबूर है रात के 3 बजे हमें कमरा लेने के लिए।
दूसरी जगह से भी हमें जवाब हो गया कि कमरा खाली नहीं है, एक ने खोला ही नहीं, दूसरा कहता कमरा ही नहीं है। वो देख स्विफ्ट वाले ऑन करके बीच में ही सो रहे हैं। ये तो अपने साथ बोली हुई है नहीं, जिस तरह हुंजा पहुंचे थे रात को, लेकिन हुंजा में तो चलो कमरा कुमरा मिल गया था भाई, इधर तो हमारे साथ नेगोशिएटर था। नहीं नेगोशिएट तो हम तब कर रहे हैं जब वो कहीं कमरा कुमरा है, ये तो दरवाजा तो खोल मिनते तले अच्छा कर लेता है बंटी। उसने बड़ी मिनते की थी, तू दुआ कर कमरा मिल जाए, बहुत ठंड है। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग, हमें कमरा मिले, हम जाके सोएं, सुबह टाइम से उठ के जो सारा इंजॉय करें इसको। अगर हम लेट सोएंगे, लेट बना वही जवाब गोला बना वही वो नीचे आप पता करें, वो रिजॉर्ट बड़ा खूबसूरत है नीचे, चलें यार। नीचे जाने का मसला नहीं है, हाँ ऊपर आने का मसला है। जैकेट पहन लेते हो, यहाँ से फिसल जाएंगे, नहीं फिसलते। हाँ सिर्फ तीन गाड़ियाँ खड़ी हुई, मिल जाएगा। जब किस्मत बुरी हो ना, ये भी लॉक है, लॉक करके सोए में। यार टूरिस्ट प्लेस पे तो इनको एक बंदा तो बैठा हो कम से कम यार, 24 होता है ये। हार्टवे से बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब क्या करें भाई। जिस भी होटल में गए हैं सब बंद हैं, और अगर कोई है तो उनका चौकीदार बैठा हुआ है, और वो हमें कह रहे हैं कि रूम फुल है। तो अगर आप कभी ये गलती करो रात को हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अपनी जानिब क्रेजी करने वाली, रात 3 बजे पहुँचने वाली ना करना। अभी मुझे ये एक होटल उन्होंने दिखाया है, वो उसका 2000 कमरे का मांग रहे हैं, और कमरे ऐसे कि रहने के काबिल है नहीं वो। देखते हैं कोई ना मिला तो मेरा ख्याल है कि सुबह की किरणें उठने तक हमें गाड़ी के अंदर रहना पड़ेगा। ओए है इसके बाद पिछले बार लड़नी पड़े थे इससे, तो खैर है हमने रहना है, अब लड़ने का अब क्या उससे लड़ाई करनी है। ज़िंदगी में बड़ा बड़ा क्रेज़ी किया भाई। 4:17 हो गए हैं, और तकरीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे हो गए होंगे, फिर पूरे 2:15 बजे 2:15 बजे हम आए थे। 2 घंटे तकरीबन हमें हो गए हैं, पूरे नथिया गली का एक एक होटल हमने जो है वो छान लिया है। एक यहाँ पे होटल एलीट है, बहुत क्लासी किस्म का, बड़ा मतलब लग्जरी है। तो वहाँ पे उन्होंने हमने उनसे मिनते किए भाई, वो कितने का रूम था, 9,200, 10,350 और 12,300। उधर हमें रूम पसंद आ गया, उनकी हमने मिनतें कर ली कि भाई हमें कमरा दे दो, वो दो हमें चाहिए आज की रात और कल की रात के लिए। तो वो कहते हैं कि सुबह 12 बजे तक अगर आपने लेना है तो ले लें, उसके बाद हमारा पूरा होटल जो है वो बुक है, कोई कंपनी आ रही है। अब हम फाइनली हमने ये सोचा कि हम गाड़ी के अंदर वही कह रहा हूँ कि इतना क्रेजी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। पीछे हसन लेट गया और ये जवाद ने सीट सीधी कर ली है, अभी मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, गाड़ी के अंदर हम सोने लगे हैं। सुबह उठेंगे जब भी आँख खुलेगी गाड़ी में, फिर उसके बाद हम कोई होटल छोटल लेंगे। गुड नाइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद, ये वीडियो किसको पसंद आई होगी, नहीं हमें खुद ही पसंद नहीं ये वैसे बिल्कुल भी पसंद ये वैसे एडवेंचरस लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को दुआ में याद रखना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो। अल्लाह हाफिज़। नींद आई है बहुत स्वाद की।